मुझे तो बहुत खुशी मिलती है इस चीज के लिए। मतलब एक समय ऐसा था हमारा जो मैं दूसरे के यहाँ करता था और आज मेरा खुद का है, और कस्टमर एक समय था जो मुझे टिप्स देके जाते थे और आज मेरा खुद का समय है क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस लेके बैठा हूँ। और जब मुझे इस चीज को बोल जाते हैं बहुत अच्छा पराठा है, तो मुझे बहुत दिल का सुकून मिलता है कि मतलब बहुत अच्छा बना पराठा, फ्लावर बन जाता है पूरा एकदम फ्लावर। इसके ऊपर पनीर आएगा, चीज आएगा, सेव आएगा, और इसके साथ में दही चटनी क्या चटनी देते हैं, ये चीज़ आ गया इसका, ये चीज़ आ गया, ये बारीक से बारीक। जी मेरा नाम शिवम पांडे है और मैं प्रॉपर इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, प्रयागराज। और मैं सूरत में, मेरे को 12 साल हो गया, और मैं शुरू में जब सूरत में आया था तो मैं सेंट्रल मॉल हाउस पैकिंग में जॉब करता था, और जॉब करते करने से बाद आता था दूसरे के यहाँ, मैं सफाई का मतलब काम करता था होटल में ही, और वहाँ से करते करते मैंने सीखा सबसे, वो बनाते थे तो मैं सर्विस करता था, मैं देखते देखते सीखा पराठा और पाव भाजी भी बनाना। मैं उनके यहाँ 3 साल एकदम नौकर बन के काम किया, और काम करने के बाद धीरे धीरे मैंने सीखा सब उनका। उसके बाद फिर मैं ब्याज से पैसा लिया, कर्ज लिया सबसे बहुत लोगों से, और उसके बाद फिर मैंने ये लारी डाली। एक हमारे बहुत परम मित्र हैं हमारे भरत भाई, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, एकदम फैमिली की तरह मेरा सपोर्ट किया। यहाँ के लोकल ने वो बहुत सपोर्ट किया मेरा वो, और उनकी वजह से मैं ये लारी डाल पाया। वो मुझे अपनी उधार भाड़े पे लारी दिए थे, और भाड़े पे लारी उनसे लेके मैं चलाता रहा। फिर भगवान की कृपा से, सबके कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, फिर मैं अपना खुद का लारी लिया, और मेरे पास एक समय था कोई एक भी लारी नहीं थी, आज मेरे पास 4 लारी है। करते करते अपना आगे चलने लगा, फिर मेरे को 12 साल यहाँ पे हो गया। घर में ये हमारे कोई ये चीज़ नहीं जानता था, लेकिन घर में हमारी बहुत गरीबी थी उतनी समय, और मैं फर्स्ट टाइम पे सूरत में आया था, तो हमको भी लगा ऐसा कि किस कौन सा ऐसा काम करें हमारे घर वालों भी खुश हो जाएं और हम भी खुश रहें, हमारी फैमिली भी खुश रहे। बस आया सूरत में, देखा दूसरे के यहाँ जब कर रहा था, तो मैं अपने दिमाग में ऐसा ख्याल लाया जो मैं दूसरे के यहाँ गुलामी कर रहा हूँ यही चीज़ मैं अपना खुद का करूँ। मतलब पूरे डेली आके आप कटिंग चॉपिंग वगैरह यहाँ पे आधी पौन घंटा लग जाता है आपको। हाँ। और फिर सारे पराठे की तैयारी यही होती है, सब ताजा माल, सब ताजा माल। अच्छा, और कितने टाइप के पराठे हो जाते हैं अपने? 50 तरीके के पराठे। तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी फैमिली वाले बहुत खुश होंगे। तो मैं दूसरे से पैसा लेके और अपना लारी डाला, और धीरे 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 चलते चलते मेरी लारी 12 साल यहीं पे है। जगह है वेसू रोड SDGN स्कूल के पास में, जॉली पार्टी प्लॉट के पास में जस्ट मेरी लारी है। मेरे पास तो 50 रकम के अलग अलग 50 रकम के पराठे हैं, बहुत सारे पराठे हैं। आलू पराठा है, आलू ओनियन चीज़ है, आलू पराठा है, आलू प्लेन पराठा है, और आलू पालक है, पालक प्लेन है, पालक पनीर पराठा है, पालक पनीर चीज़ पराठा है, मिक्स वेज प्लेन है, मिक्स वेज चीज़ है, और सबसे बेस्ट हमारे यहाँ का जो है वो महाराजा है, और रिमझिम है, और शाही शुभम स्पेशल है। सबसे बेस्ट में पड़ेगा महाराजा मिक्स पराठा हमारे यहाँ। हमारे महाराजा में तो आप कैबेज ले लीजिए, कैप्सिकम ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, पालक भी, टोमेटो और धनिया, और खड़े मसाले जो हम लोगों का गुप्त वो मसाले रहते, और उसमें चीज़ पनीर डालते हैं। फिर उसके बाद सेकने के बाद ऊपर जब जाता है तो उस पर हम काटने के बाद पिज्ज़ा की तरह उसको 8 पीस में काटते हैं, उसके बाद पनीर और चीज़ डालते हैं, फिर ऊपर से पापड़ फोड़ते हैं, और सेव डालते हैं, फिर काजू डालते हैं, किशमिश डालते हैं, और उसके बाद कलर मतलब रहता है ओदनम रहता है, उसको हम डाल के दे देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बेस्ट पराठा ये है। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ के लिए। एक मतलब एक समय ऐसा था हमारा जो मैं दूसरे के यहाँ करता था और आज मेरा खुद का है, और कस्टमर एक समय था जो मुझे टिप्स देके जाते थे और आज मेरा खुद का समय है क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस लेके बैठा हूँ। और जब मुझे इस चीज़ को बोल जाते हैं बहुत अच्छा पराठा है, तो मुझे बहुत दिल का सुकून मिलता है कि मतलब बहुत अच्छा बना पराठा। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का अपना बिजनेस डालें और खुद का अपने दम पे खुद रहें। और किसी के यहाँ जॉब करेंगे तो 4 आदमी 4 रकम बात बोलेगा, और अपना खुद का बिजनेस है, जब मर्जी हो तब खोलो, जब मर्जी हो तब बंद रखो, और फैमिली के साथ में मनोरंजन करते रहो।
शुभम भाई कौन सा बन रहा है? ये बना रहे हैं भैया शाही शुभम स्पेशल। अच्छा ये स्पेशल बन रहा है? हाँ ये स्पेशल पराठा है हमारे यहाँ का शाही शुभम स्पेशल, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शाही शुभम स्पेशल। इसमें वेजिटेबल पड़ता है, ऑनियन, कांदा, कैबेज, कैप्सिकम। अच्छा। और चीज पनीर आता है, शेजवान चटनी भी आती है। चीज भी आ गया, पनीर भी आ गया, वेजिटेबल, शेजवान, सभी आ गया। ये पनीर आ गया, अंदर से स्टफिंग पनीर आएगा, ऊपर से पनीर और चीज दोनों आएगा, चीज दोनों। ये कितने का देते हैं ये पराठा? ये भैया है मेरा 220 रुपये 220 का, ये शाही पराठा। हाँ शाही शुभम पेशी पराठा। अभी पूरा बनेगा, पूरा रेडी होगा, इसमें वेजिटेबल आता है, चीज पनीर आता है। अच्छा। पूरा ओपन होता है, फिर ऊपर से चीज पनीर आता है। अच्छा। फिर उसके बाद इसके ऊपर सेव आता है, सेव भी डलता है। हाँ ऊपर से पूरा एकदम फ्लावर की जैसा आएगा। अच्छा, फ्लावर मिल जाए एकदम फ्लावर। पिज्जा की तरह काट देते हैं। हाँ इसमें टोटल 8 पीस आते हैं। अच्छा फ्लावर बन जाता है ये पूरा एकदम फ्लावर। इसके ऊपर पनीर आएगा, चीज आएगा, सेव आएगा। हाँ। और इसके साथ में दही चटनी क्या चटनी देते हैं। ये चीज आ गया इसमें, ये चीज आ गया। तो पनीर डाले, अब ये चीज डाले, ये फुल चीज आपका। ये बारीक से बारीक से सर कैसा लगा सर पराठा? बढ़िया है। कौन सा पराठा खा रहे हैं सर? एक ओनियन चीज। ओनियन चीज तो रेगुलर खाते रहते हैं आप लोग? हाँ, मुझे आते हैं। अच्छा टेस्ट है। मैडम आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बढ़िया, थैंक यू सर। तो साथियों देखिए यहाँ पे लोग आराम से चटाई पे बैठ के बढ़िया पराठों का लुफ्त लेते हैं, बैठने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है इधर। तो साथियों ये देखा आपने कितना बढ़िया तरीके से पराठा बनाया, बिल्कुल फ्लावर की तरह पराठा बनाया है। ये हमारे साईं शुभम पराठे का स्पेशल पराठा है और काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया है। आपने देखा इसमें वेजिटेबल भी डलता है, पनीर भी है, चीज़ भी है, शेजवान सॉस है, काफ़ी सारे मसाले हैं, तब जाके ये एकदम फ्लावरिश पराठा उभर के आता है। प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया क्लीन तरीके से भैया ने बनाया है। 16-17 साल हो गए हमारे भैया को देते हुए, तो काफ़ी यूनिक पराठा है। और इसके साथ ये तीन चटनी देते हैं, सॉस देते हैं, रेड चटनी है, हरी चटनी है, दही भी है। पर साथ ही इतना सॉस तक आपको चटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम पिज्ज़ा वाला फील आ रहा है, बहुत ही यमी टेस्ट है। और आई एम श्योर कि एक बार आप ये पराठा लेंगे तो एक बार में ही काम हो जाएगा, मतलब पूरा वर्थ है 220 का एक पराठा, पर इतना हैवी लोडेड है, एक बार में पेट भर जाएगा आपका। तो साथियों आप भी आएँ जब भी सूरत, तो ये यूनिवर्सिटी रोड पे है, पार्टी प्लॉट है, जॉली पार्टी प्लॉट है, चौपाटी है, वहाँ पे मेन रोड पे आपको दिख जाएंगे हमारे शुभम भाई का पूरा स्टॉल दिख जाएगा। इसके एड्रेस और GPS लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ आएँ और विजिट करें।
तो साथी मिलते हैं हम तीन और के अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कंटेंट बताते रहिए ताकि हम सभी लोगों को इंस्पायर कर सकें। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का मदद करते रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।